महाराष्ट्र के मर्द ने कि मदरसे में कुछ रखा गया है और वहां उसे मदरसे में चली 24 घंटे में किसी भी वक्त पहुंची है और वहां दाढ़ी करने का उस्तरा निकाल के दिखाया है। आप क्यों नहीं जाके बैठते किसी मस्जिद के बाहर? ये तो अच्छा धंधा है कि बच्चों को बिठा देना, बच्चे लड़ेंगे अपने आप में, जाएंगे जेल में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। आज मैं डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब का सिपाही होने पर फक्र महसूस करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ। एक जेन्युइन उनका फ़ैन होने पर मैं फ़क्र महसूस करता हूँ। मैंने देखा कि जो राज ठाकरे साहब का जो वीडियो वायरल हुआ है कल, जिसमें उन्होंने मदरसों के बारे में, लाउड स्पीकर्स के बारे में कहा है, एक रमज़ान का एक बहुत इम्पोर्टेंट महीना आ रहा है, लोग अपनी इबादत में फोकस करके इबादत करना चाहते हैं लेकिन इस तरीके की बातों से डाइवर्ट हो जाते हैं लोग। लेकिन मैं हैट्स ऑफ करता हूँ मेरे प्यारे डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब, मेरे मंत्री, गृह निर्माण मंत्री साहब को, कि उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकल आंसरिंग दी है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर तक ये इस मुद्दे को, इस बहुत से लोग कन्फ्यूज है एक्चुअली कि क्या हुआ अचानक में राज ठाकरे साहब जो है इस तरीके का बयान दिए। तो जिनको भी स्टोरी नहीं मालूम है, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए चीज़ें स्पेसिफाई की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 मिनट के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर जो मैटर है वो समझ जाएगा। और मुझे इतना यकीन है कि इस वीडियो के एंड होने तक आप भी डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब के, हमारे गृह निर्माण मंत्री के फ़ैन हो जाएंगे। और जो एक सच्चे सेक्युलर नेता जो होते हैं, जिसे आपने बहुत से सेक्युलर नेता देखे होंगे, पर प्रैक्टिकली जो आज के जनरेशन में, जो आज के दौर में सेक्युलर नेता है, वो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब। जी परिस्थिति मुंबऱ्याची आहे। माझी तर पंतप्रधानांना विनंती आहे, या ईडीच्या धाडी टाकताय ना तुम्ही, इन्कम टॅक्सच्या धाडी टाकताय ना, या आमच्या पोलिसांना विचारा, त्यांच्याकडे सगळा सोर्स आहे। या झोपडपट्ट्यांमध्ये असलेल्या मदरशांवरती एकदा धाडी टाका, तुम्हाला काय काय गोष्टी हाताला लागतील ते तुम्हाला कळेल। कल जो कुछ राज ठाकरे जी ने भाषण में कहा, जैसे कि मुंबरा में आप कोई भी मदरसे में जाइए तो आपको क्या हाथ में लगेगा पता चलेगा, पुलिस को सब मालूम है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस इतनी नामर्द नहीं है कि मदरसे में कुछ रखा गया है और वो वहां घुसेगी नहीं। लेकिन मैं राज ठाकरे को खुला आह्वान देना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में किसी भी मदरसे में जाइए, 24 घंटे में किसी भी वक्त पहुंचिए और वहां दाढ़ी करने का उस्तरा निकाल के दिखाइए। मैं मेरी राजनीति छोड़ दूंगा। बिना वजह ऐसी बातें करके दो समाज में द्वेष मूल्य प्रस्तापित करके उनमें आग लगाने का काम छोड़ देना। मागे भी त्याला घोषणा केली होती, या बचतीवरती लागणारे भोंगे, प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। ने तो सुना था कि आपके पास महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट है, इन्हें आप रोजगार देने वाले थे, अच्छी बात थी। लेकिन आज आपकी ब्लूप्रिंट में ये मस्जिद के सामने जाके बैठो बच्चों लोगों को कहना, ये कहां से आ गया भाई? आप क्यों नहीं जाके बैठते किसी मस्जिद के बाहर? ये तो अच्छा धंधा है कि बच्चों को बिठा देना, बच्चे लड़ेंगे अपने आप में, जाएंगे जेल में, छुड़ाने के लिए मां बाप को तकलीफ उठानी पड़ती है। कल को कल आपके भाषण में अचानक आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जो रैली निकलती है उसके बारे में आपको बहुत प्यारा है। कभी जिंदगी में जय भीम कहा है? कभी 14 अप्रैल को
आपके घर के 3 मिनट के अंतर पे जो चैत्य भूमि है वहां गए नमन करने के लिए। देखा आपने इस वीडियो को किस तरीके से हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब ने ओपनली क्लियरली स्पेसिफाई करके हर एक चीज़ को समझाकर पॉइंट टू पॉइंट बताया है। काफ़ी राज ठाकरे साहब से हमारे समाज के लोग, हमारे मुस्लिम कौम के लोग बेशक ऑब्वियसली नाराज होंगे कि जिस तरीके से आपने टिप्पणी की है, पर समझ सकते हैं कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी उसके पीछे। पर प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें मुसलमानों को पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए प्लीज़ यूज़ करना बंद करिए। हर एक दिन सिर्फ हमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बहुत दुख की बात है। हमें भी इस देश में जीने का पूरा हक है जितना कि आप लोगों को है। प्लीज़ 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 हमें टारगेट करना बंद करिए और हमें हमारे देश का नाम ऊँचा करने में, उसके प्रगति करने में हमें मदद करिए। जिस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर एक एंगल से, आप हमें उस चीज़ में सपोर्ट करिए, ना कि हमें हर चीज़ में जलील करने में, एक एक्स एलिगेशन लगाने में। आप प्लीज़ ये चीज़ बंद करिए, इसमें आप लोग का पॉलिटिकल फ़ायदा होता होगा पर हम सबके दिलों में चोट लगती है इससे, और काफ़ी दुख होता है। रमज़ान का इतना इम्पोर्टेंट महीना चल रहा है और उसमें ये सब चीज़ें आ रही है, सब लोगों का फोकस होता है कि इबादत करें, पर आप लोगों के इस तरीके के भाषण से पूरा डाइवर्शन हो जाता है और बातें जो है कहीं और चले जाती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मुसलमानों को टारगेट करना पॉलिटिक्स में बंद किया जाएगा। जिस तरीके से हमें टारगेट किया जाता है उस तरीके से, और मैं देखता हूँ और भी माइनॉरिटीज़ है हमारे देश में, उनको कोई टारगेट नहीं करता है, क्योंकि हम एक सॉफ्ट टारगेट है मेरे ख्याल से, इस वजह से हमें टारगेट किया जाता है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी पूरा हक है देश की इकोनॉमी में पार्ट लेने का, डेवलपमेंट में पार्ट लेने का। प्लीज़ उस चीज़ों से हमें ना रोके, हमें जो है देश की तरक्की में पार्ट लेने में मदद करिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुसलमानों को टारगेट करना बंद करिए। थैंक यू।